जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये डॉक्टर तारक साहब का ये प्लांट है जी, सोयाबीन का। और ये सोयाबीन लगी हुई है, ये इंशाल्लाह जून तक जो है ना ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा। जून बड़े पौधों में जाएं, बड़े पौधों। ये देखें, ये सारे जो है ना ये सारे सोयाबीन लगी हुई है। ये माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ना, ये सोयाबीन लगी हुई है, फलियाँ लगनियाँ शुरू हो गई हैं इसको। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये सारी सोयाबीन की ये फलियाँ हैं। और इसको सिर्फ एक पानी दिया अभी तक। अच्छा ज़बरदस्ती, और कोई गोडी वगैरह भी नहीं की। अच्छा ये डॉक्टर साहब, ये कितने फासले पे लगाए हुए हैं? प्लांट टू प्लांट जो है एक फुट के फासले पे। अच्छा, एक फुट के फासले पे लगाए। प्लांट टू प्लांट एक फुट के फासले पे, रो टू रो जो है ये तकरीबन 18 इंच है। 18 इंच पे, हाँ, इस पे लगाया गया है। और ये तकरीबन 5 कनाल का ये प्लाट है। ज़बरदस्त जी, 5 कनाल का ये प्लाट है। तो ये कितने के पौधे लगे होंगे? और ये GMO फ्री है। अच्छा माशाल्लाह, GMO फ्री सीड था जो यूज़ किया NARC वालों ने दिया। जी जी, नॉर्मली दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिला था। वेरी गुड। इंशाल्लाह अब जो जून के आखिर में जब मैं हार्वेस्ट करूंगा, जी जी, तो उस वक्त मेरे पास अपना बहुत सीड हो जाएगा। और ये आपका क्या ख्याल है कि ये कितना ये आपका हो जाएगा? इस तरह के जो NARC ये कहती है, जो क्लेम कर रही है, 30 से 35 मन एकड़ से होता है। एकड़ से, ठीक है। ये हमारा पहली दफ़ा है, ठीक है, इसलिए अभी हमें कुछ नहीं पता ये कितना होगा हमारे पास। अगर कम भी हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास अपना सीड अवेलेबल होगा। ओके। और ये खाद के लिए, ये ज़मीन के लिए ये पौधा फ़ायदेमंद है? हाँ जी, ये फ़ायदेमंद है। नाइट्रोजन फिक्सर है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। ओके। और इसकी ज़मीन की तैयारी में हमने इसको सवाए DAP के, ओके, और SOP के कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया। आगे आप इसके ऊपर स्प्रे वगैरह करेंगे? फिलहाल अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी। मेरे एरिया में बीमारी बहुत कम है, क्योंकि अच्छा, नई आबाद ज़मीन है। सही। तो और नई आबादी की वजह से यहाँ पे बीमारियाँ ऐसे अटैक बहुत कम है जी। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। ये प्लांट्स के रंगत भी जो है ना बहुत अच्छी है, पत्तों का भी रंग बहुत प्यारा है। चलें जी, अल्लाह ताला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मियाँ कील और फाइन क्रॉप केमिकल इंडस्ट्री की तरफ से आज हम आए हुए हैं जी चकवाल में, नीला डुल्ला मरगलाबाद फार्म पर। और ये जनाब सोयाबीन लगी हुई है, ये देखें, ये प्लांट इन्होंने इस पे जो है ना NARC का ये बीज लगाया हुआ है जी। और ये एग्रो पावर का जो है ये सारा फर्टिलाइज़र जो है ना यूज़ कर रहे हैं फाइन क्रॉप केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या लगाया हुआ है जी? ये सोयाबीन लगी हुई है। सोयाबीन, और किस, ये आपने कहाँ से ली थी ये? ये हमने NARC से सीड लिया था। ओके। और ये GMO फ्री सीड है। अच्छा ज़बरदस्त। और ये जब आपने लगाया है तो इस प्लाट के ऊपर आपने कौन सी कंपनी का जो है ये फर्टिलाइज़र? जो है ना अब्दुल्ला साहब ने मुल्तान फाइन क्रॉप्स वालों, उनसे उन्होंने हमें जिंक भेजा था, सल्फर उन्होंने हमें भेजी थी, ज़बरदस्त, और पोटाश भेजी थी हमें, ज़बरदस्त, ये हमने उनसे लेके इस प्लाट में डाली थी। और आप मुतमिन हैं ये प्लाट के ऊपर? ये चूँकि मैंने पहली दफ़ा लगाई है, पौधों की ग्रोथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है। अभी इसको फल भी पड़ गया है। ओके। और अब इस हार्वेस्ट करने के बाद ही बताते हैं, फिलहाल तो काम ठीक। जो फाइन क्रॉप का आपने इस्तेमाल किया मटीरियल, क्या वो ठीक है सारा? फाइन क्रॉप का मटेरियल तो ठीक है, हाँ जी, लेकिन उसकी हतमी रिपोर्ट तो उसकी तैयारी के बाद ही पता लग सकती है। मगर अगर रंगत से देखें तो रंगत से आपको ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर तारिक साहब सन थे जी, नीला डुल्ला मरगलाबाद फार्म से। मैं जनाब फाइन क्रॉप केमिकल इंडस्ट्री की जानिब से एरिया मैनेजर, जो मुख्तलिफ फार्मों का विज़िट करता हूँ, और मैं इस वक्त जो है ना यहाँ पर आया हूँ जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये छोटा सा पौधा है और ये फलियों से भरा हुआ है और इसके ऊपर फल काफ़ी लगा हुआ है। आप लोग जो है ना नई क्रॉप के ऊपर आएँ, पुराने जो तौर तरीके हैं ना उसको छोड़ दें कि इनके ऊपर आए, इनके ऊपर इतना ख़र्चा भी नहीं आता और इनकम जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। वो देखें, तो ये आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये भरा हुआ है फल से सारा माशाल्लाह। और हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी तरफ आना चाहिए, और जिसके ऊपर ख़र्चा भी कम आता और इनकम भी ज़्यादा हो। जून में हमसे सीड लें सारे, सबको देंगे तो 5-5 किलो सीड। अच्छा डॉक्टर साहब का फरमान है जी कि जून में हमसे सीड लें, 5-5 केजी जो है ना सबको बीज देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कितने किलो बीज लगता है?
ये एक एकड़ में ना 40 किलो बीज लगता है, एक एकड़ में 40 किलो, 35 से 40 किलो, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस स्टाइल पे लगाते हैं। ओके, मैंने जो जिस स्टाइल पे लगाया इस पे 35 किलो लगता है। ओके ठीक है, और इसके अंदर जो प्लांट की पॉपुलेशन है ये 85,000 एकड़ में होती है। 85,000 एकड़ में, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और ये मुझे बताएं कि ये किस मौसम में लगाना चाहिए? ये जो है ना मार्च के पहले हफ्ते लगना चाहिए और दूसरा 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई के बाद। अब अगर नीचे, ये तो आपका आ गया ना बरानी इलाका सारा, अब नीचे जो ज़मीनी इलाका है 15 जुलाई के बाद लगाएं। ओके, क्योंकि उस वक्त गर्मी का ट्रेंड डाउनवर्ड होता है, हवा में नमी भी होती है। और 15 जुलाई के बाद अगर हम लगाएंगे तो उसकी फ्लावरिंग बड़ी अच्छी होगी, उसकी पोलिनेशन बहुत अच्छी होगी। और हार्वेस्टिंग कब होगी इसकी? हार्वेस्टिंग जो है ना ये 3.5 से 4 महीने लग जाए। मैं अक्टूबर से पहले पहले हो जाएगी। हाँ जी, यानी वो लगाने के बाद आप गंदम लगा लेंगे, लहसुन लगा लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला जी।